मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज ब्रेड नहीं ले रहे। ब्रेकफास्ट में आज ले रही हूँ मैं सिर्फ कॉफ़ी, और चिकू ले रहे हैं दूध। और चिकू ने मेरा बहुत ही अच्छा एक फ़ोटो एडिट किया है जो कि मैं आज इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करूँगी। और हाँ, जो करवा चौथ मेकअप पर मैंने लुक क्रिएट किया है वो आ गया है, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो। और उसके फ़ोटोज़ मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना थोड़ा डिले हो गया है, तो आज कर देंगे आई होप। और ये फ़ोटो तो क्या तुम्हें एडिट किया, मस्त। मेरे को मेरा फ़ोटो देख के अच्छा लग रहा है। कभी कभी तो बिलीव भी नहीं होता मैं इतने अच्छे अच्छे पोज कर लेती हूँ। मैं इतने अच्छे पोज नहीं करती हूँ, चूँकि इतने अच्छे फ़ोटो खींच लेते हैं। आज के दिन मैं करूँगी करवा चौथ की तैयारी, और जिस दिन आप व्लॉग देख रहे हो उस दिन है करवा चौथ, तो आप सबको है हैप्पी करवा चौथ। और आज मेहंदी वगैरह सब लगानी है मुझे, और प्रिपरेशन भी करनी है, मार्केट जाना है, सारी पूजा की तैयारियां करनी है। हाँ, भाई जी आ गए थे, तो भाई जी कपड़े वगैरह के लिए बोल रहे थे, जो गंदे कपड़े वो बाहर दे दो, धुलवाने के लिए दे देती हूँ, तो वही दे रही थी, इसलिए बीच में थोड़ी स्टॉप हो गई। अभी पी लेती हूँ मेरी कॉफ़ी और जल्दी से काम कर लेती हूँ। रोज़ कहती हूँ जल्दी से काम कर लेती हूँ, पर आजकल क्या सलून पे जल्दी कस्टमर आ जाते हैं तो मुझे भाग के जाना पड़ता है। फिर वहाँ मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ कि जब घड़ी देखती हूँ तब 2:30, 3:00, 4:00 भी बज रही होती है। अभी बज रही है 12:00, और हम लोग क्या, मैं खाना बना रही हूँ। एक तरफ भिंडी की कड़ी बना रही हूँ, एक तरफ चावल रख दिए हैं, आटा गूंथ के रख दिया है, और फटाफट से कर लेती हूँ ये सब कुछ। और ये एक तरफ से कड़ी का बैटर भी रेडी हो गया है, और भिंडी भी पक रही है। भिंडी की कड़ी चिकू को अच्छी लगती है, इसलिए आज भिंडी की कड़ी बना रहे हैं। थोड़ी सी पकनी बाकी है, जल्दी जल्दी पक जाए। और बाकी आज तो करनी है सारी करवा चौथ की तैयारियाँ, मेरे मेहंदी वगैरह सब लगानी बाकी है। अब आज तो सिंपल ही मैं खुद ही लगा दूँगी, दोनों हाथ दोनों पैरों में सोच रही हूँ। मेरा तो खाना वगैरह सब हो गया है। एक्चुअली क्या, मैं जल्दी में थी तो मैंने तो खा लिया, पर चिकू भी जस्ट आए हैं तो चिकू को दे देती हूँ खाना। और चिकू का आज व्रत है शनिवार का, भूल गई मैं। फिर मेरे को याद आया आज मेरे वॉर ने व्रत रखा है। ये कड़ी ये रोटी, क्योंकि उधर से तो सफाई चल रही है इसलिए। और ये चावल, और साथ में प्याज भी कट करके दे देती हूँ। मैं पास में ही मेहरा को मिलने जा रही हूँ, वो कहती है ये बीच में बैठी है। सलून पे काम था, काम तो कर रहे हैं, पर साथ साथ में अपनी भी करवा चौथ की तैयारियां कर देते हैं। भाई आईब्रो वगैरह कुछ बनी हुई नहीं है, अपर लिप्स बहुत अजीब अजीब से होके घूम रहे हैं, तो अपर लिप्स वगैरह करवा देती हूँ, और आईब्रो भी है। अपर लिप्स और फेस वैक्स तो मैं भी करूँगी, और आईब्रो बनानी है, तो आईब्रो तो मैं ज्योति से बनवा रही हूँ। आईब्रो करवाऊँगी हूँ, पर आईब्रो करवाते करवाते आ गए कस्टमर, तो एक आईब्रो हुई और एक आईब्रो रह गई है, तो अभी ज्योति आ रही है वापस, पर एक आईब्रो और बनाएगी। आज पानी पी लो जितना पीना है, कल कोई पानी नहीं मिलने वाला। अब करेंगे फेस वैक्सिंग, आईब्रो तो हो चुकी है, फेस वैक्सिंग भी बहुत टाइम बाद हो रही है। अभी मैं एक बार मेरे फेस पर प्री वैक्स डीप क्लेंजर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी एंड देन पिल कर दूंगी। बारीक बारीक मेरे बाल हैं वो निकले हैं, हालांकि मुझे इतना ज़्यादा ग्रोथ है नहीं। अब जाते हैं पूजा वगैरह की शॉपिंग करने के लिए, पर एक बार कोण मंगा देती हूँ, पैर पे भी मेहंदी लग जाएगी तो भी क्या है। अभी जाने वाली थी मैं पूजा की वगैरह शॉपिंग करने, फिर मैंने भाभी को फ़ोन किया, तो भाभी बोले कल अपन पूरा दिन फ्री रहेंगे तो क्या करेंगे, तो कल जाएंगे शॉपिंग करने के लिए क्योंकि रात को पूजा करनी है। तो अभी मेहंदी वगैरह लगवा देती हूँ पैरों पर, ज्योति अभी मेरे बना देगी डोंगरे, ज्योति बनाएगी अभी पैरों पर मेरे डोंगरे।
ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, फूल ही बना रही हूँ, क्योंकि इतनी देर झुका नहीं जाता मेरे को तो। मेरी मेहंदी नहीं लगाने की होती, साफ नहीं लगाने की होती है। और ज्योति को मेहंदी लगाने आती है नहीं, इसलिए सिर पर डोंगरे ही बनाने आते हैं। तो अब मेहंदी रोमा दीदी लगाएंगे। डोंगरे मेरे को डोंगरे इतने अच्छे नहीं बनाने आते। पर मेरे लगा रही थी मैं मेहंदी और कैमरा चालू था, तो कैमरा बेचारा बैठे बैठे डिस्चार्ज हो गया। और मेरे को अभी जाना है घर पे, आधे अधूरे मेहंदी लग गई है। तो अब कैसे जूते पहनूं भी सोच रही हूँ, पैरों पे तो लग गई मेहंदी, मैंने बता दी आपको, और हाथों पर भी लगा दी। आई होप अच्छी लगे पूरी लगने के बाद। ठीक है तो चलिए चलते हैं घर पे। मेहंदी अच्छे से लग चुकी है, आगे तो मैंने कम कम ही लगाई है, पीछे अच्छे से लगाई है। कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक हाथ में तो रहेगी, देखते हैं कोई मिल गया तो लगवा देंगे। मैं लगा? हाँ तुम लगा दो, एक बार लगा के देती। एक हाथ पे तो मेहंदी लग गई है, अब दूसरे हाथ पे लगाने के लिए मैंने गुड़िया को बुलाया और इसका नाम है यामिनी, यामिनी पंचाल पर मैं गुड़िया ही कहती हूँ। तो अभी मेरे एक हाथ में मेहंदी लगेगी, मुझे सेम ऐसी ही मेहंदी लगानी इस हाथ पे, इसलिए एक बार पीछे लगवा देती हूँ। अंगूठे अंगूठे काट दो। मेरे मेहंदी लग चुकी है सेम एग्जैक्ट जो यहाँ पर लगी हुई थी, सेम ऐसी यामिनी ने लगा दी है। और यामिनी का इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी, आप वहाँ जाकर इसको फॉलो भी कर सकते हो, यूमी मेहंदी आर्टिस्ट करके है। और ऋषभ देव में किसी को भी मेहंदी लगानी हो तो यामिनी से कांटेक्ट करें, और आप उसको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, और आपको जैसी भी मेहंदी लगानी है वैसी यामिनी बना के दे देगी। मेरे भी एग्जैक्ट बन चुकी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है चलिए बाय। अगर यहाँ तक देखने के बाद व्लॉग अच्छा लग गया हो और मेरी करवा चौथ की प्रिपरेशन आधी अधूरी हो चुकी है, कल करूँगी शॉपिंग क्योंकि कल है करवा चौथ और कल रहना पूरा दिन भूखा प्यासा, तो अभी पानी वगैरह जितना पीना पी लेते हैं और यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय। आज तो मेहंदी लगी हुई है इसलिए एकदम डार्क नहीं लगेगा, सिर्फ इतना फूल ही दिखेगा। ओके बाय।